अस्सलाम वालेकुम, सलवा जहीर हेयर इंडिपेंडेंट सफाई डायरेक्टर ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। अब तक आप लोग यकीनन ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स के हवाले से बेशुमार बातें सुन चुके होंगे। प्रोडक्ट महंगी है, मेंबर बनाने पड़ते हैं, हर महीने पॉइंट करने पड़ते हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है, टाइम ज़ाया होता है, बहुत मेहनत है, हमारे फलाना ने करके छोड़ दिया, ढिमकाने ने ये करके छोड़ दिया, इस तरह की बहुत सारी बातें आप सुनते होंगे। आपके सिर्फ मैंने ये कहना है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर लोगों के कुछ तजुर्बात अच्छे नहीं रहे, तो जब हम देखते हैं उस फील्ड को जाके रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि उसी फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब भी हुए हैं। फिर ज़रा और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये समझ में आता है कि वो तमाम लोग जो मेहनत करने से कतराते हैं, जो कि नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ज़्यादा रखते हैं और जिन्हें ये लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, वो दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसके बरक्स वो तमाम लोग जो मुस्बित सोच रखते हैं, मेहनत करना जानते हैं और उनके अंदर दूसरों से सीखने का जज्बा मौजूद होता है, जिनके अंदर कुछ नया करने का हौसला होता है, जिनके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत होती है, ऐसे लोग दुनिया की हर फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से उन तमाम निखट्टुओं, निकम्मों और मेहनत ना करने वाले लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान ना करें, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको अक्ले सलीम अता की है, आपके अंदर जस्तजू है नया करने की, आपके अंदर हिम्मत है रिस्क लेने की, आपके अंदर शौक है कुछ नया सीखने का। तो अपनी इन तमाम अच्छी बातों को, अपनी इन तमाम अच्छी खसूसियात को उन नेगेटिव लोगों की वजह से बर्बाद ना करें, बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें और उन कामयाब लोगों से मिलें जिन्होंने ज़ीरो से अपने काम का आगाज़ किया और आज सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं और बेशुमार लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं। तो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करें और अपने लिए सही फैसला करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। सही रहनुमा आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा, गलत रहनुमा आपको रास्ते में भटका देगा। तो आपकी नाकामी या कामयाबी के जिम्मेदार आप खुद हैं, ना कि कोई कंपनी या कोई शख्स। उम्मीद करती हूँ आप सोचेंगे ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा और यकीन रखिए अल्लाह ताला ने आपको वो सब कुछ देकर भेजा है जिसके ज़रिए से आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।